हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एंड सॉरी यार, वीडियोस टाइम टाइम नहीं आ पा रही, बिकॉज कुछ पर्सनल रीजंस हो गए हैं जिससे वीडियोस नहीं आ पा रही। सबके अलग अलग होते हैं, बट मैं कोशिश करूँगा वीडियो टाइम टू टाइम आए। लास्ट एक मंथ से वीडियो नहीं आ रही, मुझे भी पता है इस चीज़ का। कमेंट्स भी आ रहे हैं मेरे पास लोगों के, एंड मैसेज भी आ रहे हैं, बट मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो के और मैं फटाफट वापस बैक कर लूँ। अपने हर संडे एक वीडियो डाला करूँगा, ठीक है गाइस? तो अभी वीडियो के एंड तक आप बने रहे। आज बढ़िया बताने वाला हूँ टेट के बारे में, क्या है टेट पूरा, ठीक है? अपन बात करेंगे टेट पे। आई होप सब अच्छे होंगे, और जिनका भी SSB अभी चल रहा है उनको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे, क्वेरीज आ रही थी इंस्टाग्राम पे। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लेना, नवीश राव के नाम से इंस्टा ID है। और बाकी मेल्स भी मेरे पास आए थे, मैसेज भी आए थे काफ़ी, वो क्लियर भी हो गया है। किसी का मेडिकल चल रहा है, कोई स्क्रीन इन हो गया है। तो आज अपन बात करते हैं टेट के ऊपर। टेट क्या है? थेमेटिक एप्रिशन टेस्ट, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, अपन को क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स ध्यान नहीं रखने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं, नेवर लीव एनी स्टोरी इनकम्प्लीट। अपन को एक भी स्टोरी इनकम्प्लीट नहीं छोड़नी है, ठीक है? सेकेंड, हैव ए गुड प्लान। स्टोरी के अंदर एक अच्छा सा प्लान होना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग से एंडिंग तक। यू नहीं कि मतलब उसके अंदर अपन ने गड़बड़ कर दी, पहले पॉइंट्स जो लिखने थे वो बाद में लिख दिए, एक्शंस जो लिखने थे वो पहले लिख दिए। तो एक अच्छी तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए। राइट जस्ट 8 to 10 lines विद फुल ऑफ एक्शंस। 8 से 10 line ही लिखनी है स्टोरी के अंदर, ज़्यादा अपन को नहीं लिखनी है, बिकॉज लिख भी नहीं पाओगे, टाइम ही यार नहीं रहता अपने पास, ठीक? तो अपन फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, डो नॉट मेक इंट्रोडक्शन वेरी लॉन्ग इन द स्टोरीज। एक्चुअली क्या है, लोग बाग इंट्रोडक्शन होता है वो बहुत लंबा लिख देते हैं, जबकि लिखना चाहिए max to max 2 lines का, ठीक है? वो खींच देते हैं 4 to 5 lines, देन फिर बाद में बोलते हैं स्टोरी छूट गई, पूरी इनकम्प्लीट नहीं हो पाई, और एक्शंस भी नहीं लिख पाते हैं, और उस स्टोरी की एंडिंग भी नहीं हो पाती है। तो ये चीज़ें गलत चल जाती है। तो बात करें अपन फिफ्थ पॉइंट की, इनकम्प्लीट स्टोरी गिव्स ग्लिम्प्स ऑफ लैक ऑफ प्लानिंग एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्प्लीट टास्क, ठीक है? सिक्स्थ की है, स्टोरी इनकम्प्लीट जनरेट फियर। अगर आपने स्टोरी इनकम्प्लीट छोड़ दी, मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था आपको, अगर आपने इनकम्प्लीट छोड़ दी तो सेकंड स्टोरी आपके सामने आएगी तो आपके अंदर एक डर बैठ जाएगा कि अपनी फर्स्ट वाली कंप्लीट नहीं हुई तो अपन ये वाली कैसे कंप्लीट करेंगे। तो एक ये चीज़ है ना, तो इसको अगर आप कंप्लीट कर लोगे पहले स्टोरी को, जो भी फिफ्थ वन है, सिक्स्थ वन है, सेवन्थ वन है, अगर आपकी कंप्लीट होती जा रही है अच्छे से तो वेल है, अगर नहीं होती है तो आपको आने वाली स्टोरी में दिक्कत प्रोवाइड हो सकती है। अगर मान लो आपने 5 स्टोरी सही लिख दी, सिक्स्थ वन आप लिख रहे हो, देन फिर सिक्स्थ कंप्लीट नहीं हो पाई आपकी, मान लो कोई नेगेटिव स्टोरी आ गई और वो नहीं हो पाई, देन सेवन्थ वन आप लिखोगे ना तो आपके माइंड में सिक्स्थ का ही चलता रहेगा, वो कंप्लीट नहीं हुआ मैं कैसे करूँ। तो ये चीज़ है, तो इसकी आप प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाएगी स्टोरी आपकी टाइम के अंदर। हाँ, अगर आपकी कंप्लीट स्टोरी हो जाती है, ठीक है, तो गेट रेडी फॉर नेक्स्ट स्टोरी। अगर बाई चांस क्या होता है, कभी कभी आदमी की 30 सेकेंड्स पहले कंप्लीट हो जाती है, तो वो तैयार रहने वाली स्टोरी के अंदर, ठीक है? अपना 8th पॉइंट रहेगा, व्हेन यू लुक एट पिक्चर आस्क क्वेश्चंस, व्हाट इज लास्ट थिंग वांट टू अचीव इन द स्टोरी। तो बात यह है, पिक्चर के अंदर जो आपको पिक्चर दिखाई जा रही है उसके अंदर अपन को ये रखना है कि इससे स्टोरी से अपना क्या निकल के आ रहा है, मतलब इससे अपन क्या अचीव करें ताकि साइक अपना खुश हो जाए इससे और एक अच्छी स्टोरी बन जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। 9th पॉइंट देखेंगे अपन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव एट लास्ट यू विल थिंक अबाउट इन द वेरी स्टार्टिंग, द एंड इज द फर्स्ट थिंग टू थिंक। तो इसमें यही कहा है कि जब अपनी स्टोरी आ रही है सामने तो उसमें अचीव क्या करना है तो उसके बारे में सोचे स्टार्टिंग में। अगर स्टार्टिंग उसके बारे में अपने सोच लेने और गोल बिठा लिए अपनी स्टोरी, तो उसकी एंडिंग बहुत ही अच्छे से होगी, ठीक है? अपने को स्टोरी यूँ मान लो देखते ही पता लगाना है कि अपनी स्टोरी क्या बनने वाली है, ठीक है? अगर स्टोरी बनने वाली है अच्छी और आपके माइंड में आ गया तो आपकी जो एंडिंग होगी ना वो भी अच्छी होगी। अदरवाइज क्या होता है, लोग बाग स्टोरी तो कर लेते हैं कवर, लेकिन उनकी एंडिंग नहीं बन पाती। 10th पॉइंट पे बात करते हैं, आस्क योर सेल्फ वट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ योर स्टोरी। सिंपल बात है, बताई दी मैंने आपको। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल, पर्सन वियरिंग ए यूनिफॉर्म इन शोन टू यू एंड ही इज होल्डिंग अ गन, देन आस्क योर सेल्फ वट इज द लास्ट थिंग वट टू अचीव फ्रॉम दिस स्टोरी। सो ऑटोमेटिकली द आंसर कम्स लाइक, आई विल ब्रिंग्स मोर एफिशियंसी इन दिस गन सो द टारगेट बेटर, नाउ वंस ए एम इज क्लियर यू गो यू विल डेफिनेटली गेट मोर सोल्यूशंस, नाउ वंस ए एम इज क्लियर यू विल डेफिनेटली गेट मोर सोल्यूशन। तो इसके अंदर ये चीज़ आ गई ना अपने भाई, उन्होंने बोला कि एक बंदा है जिसने यूनिफॉर्म पहन रखी है और मिरर के सामने देख रहा है और होल्डिंग गन है कुछ भी, तो उसके अंदर आपको अगर आइडिया आ गया, जैसे मतलब उसके अंदर आपको आइडिया आ गया ऑटोमेटिकली,
लाइक आई विल ब्रिंग्स मोर एफिशिएंसी इन द गन, बस इतना आते ही है ना स्टोरी कवर हो जाएगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। व्हाई यू अज्यूम योर सेल्फ ए क्लास 10 बॉय इन स्टोरी, व्हाई नॉट टीचर हु इज स्टैंडिंग अलोंग विद ए स्मॉल बॉय। तो आप स्टोरी में क्या करते हैं, कई बच्चे मतलब ग्रेजुएट होने के बाद भी एक बॉय लिखते हैं, आपको मैन लिखना होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें ना। डोंट कीप ए फिक्स पैटर्न, फिक्स पैटर्न मत रखना, मगअप मत करना कि 4 स्टोरी ऐसे बना दूँ, 5वीं ऐसे बना दूँ, 6ठी ऐसे बना दूँ, एक स्कूल की बना दूँ, एक प्लान की बना दूँ, एक रेस्क्यू की बना दूँ, ऐसा मत करना कि स्टोरी कुछ भी आ सकती है। और जो आपके माइंड के अंदर उस टाइम जो आपके थॉट्स आएंगे वो ही आपका माइंड काम करेगा उधर, और उसी से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। हरदीप प्लान, मनदीप डिसाइडेड, मनीष एम, नवीश थॉट ऑफ डूइंग इट, सम इंटेंशन बट वर्ड्स आर डिफरेंट। और हर स्टोरी में अलग अलग वर्ड्स होने चाहिए, यू नहीं आप सेम ही राम मोहन सोहन ये सब पुराने हो गए, थोड़े यूनिक नेम निकाल के लाओ। अपने दोस्तों में यूनिक नेम रहते हैं वो पकड़ लिया करो, 12 पकड़ने हैं 12 पकड़ लो। कुछ टिप्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। कीप द इमेज पिक्चर शोन इन द सेंटर ऑफ स्टोरी, जो आपकी पिक्चर शोन है वो सेंटर के जो लाइन्स होती हैं स्टोरी की वहाँ लिखनी है। डोंट कीप इट एंड, पीछे नहीं लिखना है उनको, कभी सोचो लास्ट में लिख देंगे। नाउ व्हाट डज इट मीन्स, ठीक है, तो इसका मतलब बता देता हूँ। फर्स्ट लाइन का इंट्रोडक्शन रहेगा, ये एक छोटा सा मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, तो फर्स्ट लाइन का इंट्रोडक्शन रहेगा, सेकेंड लाइन का वाई दिस पिक्चर रीजन रहेगा अपन को शो क्यों की है, थर्ड पिक्चर सोन उसके बारे में बताना है, फोर्थ वन है सॉल्यूशन शुड फ्लो आफ्टर सीइंग द पिक्चर, 3 to 4 लाइन्स। इंट्रोडक्शन आ गया, रीजन आ गया, पिक्चर क्यों दिखाई है, देन उसके सॉल्यूशंस आ गए। ए प्रॉब्लम इशू टू बी सोल्व, द पिक्चर इज नॉट येट सोल्व बट इट इज बी सोल्व, भाई प्रॉब्लम शो की अपन ने लेकिन अपनी नहीं है। रिमेंबर टू प्लान फर्स्ट, ऑर्गेनाइज थिंग वेल, कन्वेंस अदर एंड टेक योर प्रॉब्लम टू एंड, सिंगल इमेज वाई डेड वाई, ये सब पता ही नहीं, पीछे बहुत रीजन होता है। सिंगल इमेज क्यों दी है, आप खुद के बारे में सोचते हो या उसके पीछे भी आप किसी के बारे में सोचते हो, ये ना सबसे बड़ी नेगेटिव स्टोरी होती है इसके अंदर ना। कभी मत लिखना कि मैं सिंगल और अकेला रहना पसंद करता हूँ, नेवर। ये लिखना हाँ मैं सिंगल हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ एज ए क्विज क्विज की कर रहा हूँ, या फिर बोल दो प्लानिंग कर रहा हूँ, कुछ दिन मैंने रात में बैठ के अपने फ्रेंड से बात की है। तो इसमें आप कुल मिला के बात ये है, अकेला नहीं रहना, अपन को शो करना है, ठीक है, दोस्तों के साथ है हम या फिर हमारा कोई टीम है। डेड है, डेड क्यों है, डेड है तो है, मर गया तो मर गया, पर क्यों है, रीज़न दो उसके पीछे, डिसीजेज कोई बीमारी है या फिर एज हो गई थी या फिर जो भी सिनेरियो चल रहा है बच्चों का, जो भी जैसे जन्म लेते ही ख़त्म हो जाते हैं तो वो वाली चीज़ है, तो वो चीज़ मेंशन करो और थोड़ा स्टडी करो डीप में, तो ऑटोमेटिक्स आएंगे। अब कई बोल देते हैं ये डेड है इधर, ठीक है, यहाँ फोटो लगी हुई है दीवार के ऊपर उसके बच्चे की, तो मतलब सिंपल बात यह है, यहाँ एक फ़ोटो लगी हुई है दीवार पे और एक नीचे बॉडी रखी हुई है और एक बच्चा और माँ खेल रहे हैं, तो उसमें क्या बोल देते हैं कि वो बच्चा होकर इंटरव्यू देगा, CDC तैयारी करेगा, देन फिर ऑफिसर बन जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, उसमें ये लेके चलो ना, अभी प्रॉब्लम्स क्या है उसके पास, प्रॉब्लम्स उसके मदर के पास हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, ठीक है, अपनी बच्चे केयर कैसे करें, तो वो चीज़ है। तो इसमें ये आप मेंशन करो कि वो लड़की है जो कि हीरो है वो कहीं जॉब करती है, देन फिर जहाँ जॉब करती है अपने पैसा कमाती है, ठीक है, देन फिर लड़के को पढ़ाती है, अच्छी शिक्षा देती है, देन लड़का एजुकेट होता है। आप लोग क्या करते हो, लड़के को हीरो बना देते हो, नहीं भाई, लड़के को भी उस टाइम गाइडलाइंस चाहिए ना, यूँ थोड़ा ना मतलब डायरेक्ट लड़का 5 साल का और वो हर चीज़ समझने लगता है, नहीं, तो ये चीज़ होती है, ठीक है। बाकी ये मैंने थोड़ा सा आपको बता ही दिया स्टोरी कैसे लिखनी है, इंट्रोडक्शन ये चीज़ ध्यान रखना, नोट कर लेना आप, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर टू प्लान फर्स्ट, ऑर्गेनाइज थिंग वेल, कन्वेंस अदर एंड टेक योर प्रॉब्लम टू एंड। सो भाई सिंपली अपन ने डिस्कस कर लिया है टैट, जो कि 12 स्टोरीज के अंदर आती हैं, 12 की 12 करनी होती हैं, एक अपनी ब्लैंक रहती है, तो ब्लैंक भी आप अच्छे से प्रिपेयर करें अगर करना चाहें, वहाँ आपके माइंड में आए तो करना चाहें तो कर लेना। बाकी इतना टाइम कंज्यूम करो कि आने वाले टाइम के अंदर आप कर दो स्टोरी, यू नहीं कि मतलब आप स्टोरी नहीं कर पा रहे, देन फिर पता है उधर जब हॉल के अंदर बैठते हैं ना पसीने छूटने लगते हैं भाई, तो वो चीज़ है। तो अपना टाइम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें और अच्छा रहेगा टाइम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर, बिकॉज ये वाला ही जो सबसे ज़्यादा पार्ट रहता है जिसके अंदर टाइम का बहुत वो रहता है, बिकॉज लोगों से कवर नहीं हो पाता इन टाइम स्टोरी। आप कितना भी टाइम ले लो, जैसे किसी ने बोल दिया 5 मिनट्स के अंदर करना है तो करना है तो वो होगा, और किसी ने बोल दिया 5 मिनट्स में टाइम है कर लेंगे तो उसमें नहीं हो पाता है भाई, छूट जाते हैं। मैंने पूछा है, डिस्कस किया वहाँ पर लोगों से, तो ये चीज़ है, बस इस पे ध्यान रखें टाइम के ऊपर। और भाई चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें,
और ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, नवीश राव के नाम से अपनी आईडी है। और भाई अभी वीडियोस कंटिन्यूस नहीं डल पा रही बिकॉज थोड़ी ये मान लो पर्सनल रीजंस हैं कुछ, इसलिए। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियोस टाइम टू टाइम डालूँ।